दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना की भारी मार पूरे विश्व भर में पड़ी है और उसी से में भारत भी शामिल है। यहाँ पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत अलग अलग सेक्टर, मजदूर, किसान, महिला, पेंशनधारी, अलग अलग लोगों को फायदा मिलने वाला। वहीं पर किसानों की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.65 करोड़ किसानों को बैंक में सीधा 2,000 रुपये सरकार भेजने वाली है और वो बहुत ही जल्द। तो उसकी लिस्ट में भी आप नाम देख सकते हैं या अपने आधार कार्ड से भी चेक कर सकते हैं और उसका स्टेटस, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे साथ ही साथ कि किन लोगों को पैसा इसका मिलेगा और किन को लाभ नहीं मिलेगा। तो बने इस वीडियो में, लगातार मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप जैसे ही वीडियो देख रहे होंगे, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और ये सब्सक्राइब का बटन दिखता है नीचे, सब्सक्राइब लाल कलर का बटन, इस पर क्लिक कर दें और ये घंटी के निशान, इस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे आप करेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊंगा केंद्र सरकार की स्कीम का, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलो पूरे फुल डिटेल के साथ हम बात कर लेते हैं। उसके लिए आप आ जाइएगा हमारी वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिएगा, अभी जो 1.70 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान हुआ है, वहाँ पर किसानों के लिए अलग अलग स्कीम की बात करें, देखिए लगभग मजदूर को, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत 3 सिलेंडर 3 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर हम बात करें बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग की 1,000 रुपये पेंशन अतिरिक्त मिलने वाली है और यहाँ पर जनधन खातों के लिए 500 रुपये अलग मिलने वाली। ये सारा अपडेट आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, अलग अलग वीडियो डालता रहता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जनधन खाते में 1,500 रुपये मिलेंगे और फ्री में 3 सिलेंडर और अलग अलग। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अलग से 1,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। ये सारी चीज़ें दोस्तों दे रही है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश अलग से दे रही है। तो उसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज जिसकी, तो उसके लिए आपको आ जाना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर फॉर्मर्स और यहाँ पर बेनिफिशरी लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेट सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लें जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पर स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहें उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लें और इसका सब डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, जहां से भी ब्लॉक बिलोंग करते हो। इसका ब्लॉक और इसका विलेज का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, किस विलेज की आप लिस्ट देखना चाहते हैं। इसका गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। गेट रिपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप उस गाँव में जितने भी किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्ट्रेशन हुए उन सभी की लिस्ट आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए फार्मर नेम और जेंडर, देखिए अभिषेक सिंह है, जो पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे आप लिस्ट देख सकते हैं, अलग अलग नीचे पेजेज हैं, आप आगे आगे पेज बढ़ाकर, अगर आपका नाम पहले पन्ने पर नहीं दिख रहा पेज पर तो आप आगे भी जाकर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया लिस्ट देखने के बाद। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखना चाहते हैं तो बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। जैसे बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको मांगा जाता है आपका आधार कार्ड नंबर हो आपके पास, या आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, या आपके पास मोबाइल नंबर, जो आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के टाइम रजिस्टर्ड कराते समय आपने मोबाइल नंबर दिया था, आप उसका इस्तेमाल करके भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें मांगता है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर। तो मैं आज चेक करने वाला हूँ मोबाइल नंबर से। चलो मैं यहाँ मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ और गेट डेटा पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो ये किसान का पूरा डिटेल आ जाता है। यहाँ पर मेन बात होता है पीएमएसएस, ये रिकॉर्ड आपका बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहिए, आधार नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, तो आपको सारी किस्तें मिल जाएंगी। देखिए इन किसान की चारों किस्तें फिलहाल आ चुकी हैं। अगर आपके अभी इसमें मान लो सपोज दैट आपने रजिस्ट्रेशन किया था 2020 में और आपका एक ही किस्त आया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको 2019 की पिछली किस्तें नहीं मिलने वाली हैं। अगर आपका यहाँ पर नॉट अप्रूवल दिखाता है, आधार नॉट वेरीफाइड दिखाता है, या पीएफएमएस हैज बीन रिजेक्टेड दिखाता है ये डिटेल, तो आपको इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने नज़दीकी कृषि विभाग में, जो भी उनके अधिकारी होते हैं उनसे आप कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। फिलहाल ऑनलाइन अगर जो भी सलूशन हो सकता था मैंने बताया है, लगातार ऑनलाइन क्या क्या चीज़ सुधार की जा सकती है। फिलहाल ऑनलाइन में ज़्यादा कोई सुधार नहीं किया जा सकता, आपको ऑफलाइन ही कराना पड़ेगा। तो अपना डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर आप देखें अपना स्टेटस जो भी दिख रहा हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप नज़दीकी कृषि विभाग जाकर वहाँ से अपना अपडेट करा सकते हैं कोई भी डिटेल। तो ये अपडेट है जो किसानों को 2,000 रुपये दिया जाना है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और बता दूँ, ये दोस्तों वैसे भी किसानों के लिए 4 महीने में किस्त भेजी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्र सरकार
तीसरे महीने बाद ही किस्त डाले दे रही, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही इस वजह से, ना कि अतिरिक्त में 2000 रुपये की किस्त नहीं आई है। ये दोस्तों जो आपको रेगुलर किस्तें मिलती थी हर 4 महीने के बाद, वही किस्त यहाँ पर गवर्नमेंट भेज रही है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर अभी वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो शेयर बटन आपको देखने को मिल जाता है, ये देखिए शेयर, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो को आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर, ब्लॉगर पर, जहाँ भी चाहें आप इस वीडियो को शेयर कर दें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।